नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारो गुजरात माहिती यूट्यूब चैनल में। अत्यारना मुख्य समाचार में आगळ वधता पहला, जो तमे मारी चैनल में नवा हो अने चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी हो तो नीचे लाल कलर नो सब्सक्राइब बटन आपेलू छे तेने दबावीने बाजू में रहेला घंटड़ी बटन ने पण दबाई देजो, जेथी मारा आवनारा कोईपण वीडियो होय नी माहिती तमारा सुधी पहोंची शके। अने जो तमने मारा आ वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक अने तमारा मित्रों साथे पण शेर जरूर करजो। तो चालो शुरू करिए आजनो आ वीडियो। अत्यारना सौथी पहला समाचार विशे वात करिए तो सरकारी बैंकोना खानगीकरणना विरोध में तारीख 16 अने 17 डिसेम्बरे बैंक यूनियनों द्वारा हड़तालनो ऐलान करवामां आव्युं। आवतीकाले अने परम दिवसे हड़ताल होवाना कारणे सरकारी बैंकों में तमे तमारा व्यवहारों करी शकशो नहीं। गुजरात सहित देश में करोड़ों व्यवहारों अटवाशे। गुजरातना 25,000 सहित देशभरना 9,00,000 जेटला बैंक कर्मचारी आ हड़ताल में जोड़ाशे। त्यारबादना महत्वना समाचार विशे वात करिए तो जियो कंपनी रिचार्ज ने लईने सौथी सस्तो प्लान लाव्यो छे। रिलायंस जियोए सौथी सस्तो प्लान लॉन्च कर्यो छे। आ प्लाननी किंमत मात्र 1 रुपया छे। आमां कंपनी 100 MB डेटा साथे 30 दिवसनी वेलिडिटी पण ऑफर करी रही छे। जो कि आ प्लान वेबसाइट पर उपलब्ध नथी, आ जियोना मोबाइल एप में जोवामां आवी शके छे। तमने जियो एप में आपवामां आवेला 4G डेटा वाउचरना वेल्यू सेक्शननी अंदर हाजर रहेला अधर प्लान में आ प्लान जोवा मळशे अने आमां तमे 1 रुपयानुं रिचार्ज करीने 100 MB डेटा मेळवी शको छो। त्यारबाद महत्वना समाचार विशे वात करिए तो देश में ओमिक्रॉन वेरियंटना केस में सतत वधारो जोवा मळी रह्यो छे। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन पहलो केस नोंधायो छे। 7 वर्षनो बाळक नवा वेरियंट थी संक्रमित थयो छे। ज्यारे तेलंगाणा में पण आजे ओमिक्रॉनना 3 केस आव्या छे। देश में ओमिक्रॉन वेरियंटना कुल केसनी संख्या वधीने 64 सुधी पहोंची गई छे। ते सिवाय जो बात करवामां आवे तो देश में गत 24 कलाक में कोरोना ना नवा 6,984 केस नोंधाया, जयरे 247 लोगों कोरोना कारण मृत्यु पण थया छे। देश में हाल कोरोना सक्रिय केसनी संख्या 87,562 छे। त्यारबाद महत्वना समाचार विशे वात करिए तो हेलिकॉप्टर क्रेश दुर्घटना में घायल थयेला ग्रुप कैप्टन वरुण सिंहनुं पण निधन थयुं छे। जो कि तेमनी सारवार बेंगलुरुमां कमांड हॉस्पिटल में चाली रही थी, त्यां तेमनुं पण निधन थयुं छे। तमिलनाडुना कुन्नरना जंगलों में 8 डिसेम्बरना रोज हेलिकॉप्टर क्रेश थयुं हतुं। आ दुर्घटना में CDS बिपिन रावत सहित 13 लोगोना मृत्यु थया हता। जो कि तेमां एकला जीवित रहेला ग्रुप कैप्टन वरुण सिंहनुं पण आजे निधन थयुं छे। त्यारबाद महत्वना समाचार विशे वात करिए तो हेड क्लर्कनी परीक्षा आपनारा विद्यार्थीओ माटे मोटा समाचार समाव्या छे। पेपर लीक कौभाड़ना आक्षेप बाद गौण सेवा प्रसिद्धि मंडलना चेरमेनू महत्वनु निवेदन सामे आव्युं छे। गुजरात में गौण सेवा मंडल मार्फत राज्य में हेड क्लर्कनी भर्ती माटेनी परीक्षा में पेपर लीक थवानी बहार आवेली घटना में हवे राज्य गौण सेवा पसंदगी मंडले हाल परिणाम स्थगित कर देवामां आव्युं छे। जो कि मंडलना चेरमेन असित वोराए तेओने हजू कोई फरियाद मळी नथी कि पुरावा न मळ्या होवानो इनकार कर्यो हतो। पण जे रीते मीडियामां माहिती आवी छे तेમાં हाल सरकारी भर्ती माटे लेवामां आवेली हेड क्लर्कनी परीक्षामां आंसर की स्थगित करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। उपरांत गौण सेवा पसंदगी मंडलने पेपर लीकना पुरावा मळ્યા બાદ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે। એવું છે કે અમારી પાસે પૂરેપૂરી ફરિયાદ આવે પછી આગળ વધીશું। અત્યારની પ્રક્રિયા અમારી જે છે આન્સર કી મૂકવાની એ હાલ પૂરતી અમે સ્થગિત રાખી છે। પોલીસ તરફથી જે ફરિયાદ મળશે અમને અને એ આધારે અમારે જે રીતે આગળ વધવાનું હશે એ રીતે મંડળ નિર્ણય લઈને આગળ વધશે। એ પોલીસનો અંગત મામલો છે। પોલીસે 15 થી 16 જેટલી ટીમો બનાવી અલગ અલગ જિલ્લાની અંદર એમની રીતે તપાસ શરૂ કરી છે। પોલીસ તરફનું બ્રીફિંગ પણ આપ જ કરી રહ્યા છો તો આવા સંજોગોમાં 8 લોકોની 8 કરતા વધારે લોકોની અટકાયત કયા બેઝ ઉપર કરી? પોલીસનું બ્રીફિંગ મેં કર્યું નથી, હું એમ કહી રહ્યો છું કે આજે સવારે ગૃહમંત્રીશ્રી અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે જે પ્રકારની ચર્ચા થઈ છે એ પ્રમાણે લગભગ 15 થી 16 જેટલી ટીમો બનાવી અને એ લોકો તપાસ કરી રહ્યા છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ કાશીપુર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ચૂંટણીને લઈને નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે આવનારી ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે તો બેરોજગાર યુવાનોને જ્યાં સુધી નોકરી નહીં મળે ત્યાં સુધી દર મહિને 5,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે। જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, જેથી મારા આવનારા કોઈ પણ વિડીયો હોય એની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે।